Treaty. भारत माता की, भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान जयराम ठाकुर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जगत प्रकाश नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री संसद में हमारे साथी और हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान शांता कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जी, मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के सभी साथी, स्पीकर महोदय, विधायक सांसद और विशाल संख्या में पधारे हुए देवभूमि के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हिमाचल आने का मौका मिलता है और जैसे ही आप लोगों के बीच में आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपने घर आ गया हूं। अपनों के बीच आ गया हूं। बहुत लंबे अरसे तक यहां के कोने कोने में जाकर के संगठन का काम करने का सौभाग्य मिला था, बहुत कुछ सीखने को मिला था और मुझे खुशी है कि उस समय जो तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर संगठन के काम में मेरा साथ दे रहे थे, ऐसे सब आज दो दशक के भीतर भीतर हिमाचल की प्रथम पंक्ति के सारे लीडर बन गए हैं। और ये दृश्य मुझे कितना आनंद देता होगा, शायद इसकी कल्पना कोई और नहीं कर सकता है। छोटे स्तर पर जिन साथियों को देखा हो, उनके सामर्थ्य को अनुभव किया हो और वे फले फूले खिले, अपने कार्य की महक सब दूर पहुंचा दे, तब इतना संतोष होता है, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का वो कालखंड धन्य हो गया। और इसके लिए मैं हिमाचल के उन सभी साथियों को भी आज हृदय से बधाई देता हूं जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कई वर्षों तक मुझे काम करने का मौका मिला और आज वो प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और अपने पुरुषार्थ से
हमारे प्यारे हिमाचल को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये पवित्र भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है, ये देव भूमि है। मां ज्वाला जी हो, चामुंडा जी हो, चिंतपूर्णिमा हो, भीमा काली हो, हिडम्बा देवी हो, कितनी कितनी यादें, किसके कोने में कैसी कैसी चेतना, सब कुछ यहां की विरासत है। हर गांव देवी देवताओं का स्थान वाला गांव, एक ऐसा जनजीवन जहां शांति ये सहज स्वभाव है, कोई कल्पना कर सकता है कि यहीं की वीर माताओं के संतान देश की रक्षा में कंधे पर बंदूक लेके खड़े होते हैं तो दुश्मन उसको देख करके कांप जाता है। वीरता, शौर्य, सामर्थ्य इस धरती के वीरों की रगों में है, लेकिन यह भी बड़ी खुशकिस्मती है कि सीमा पर मरने मारने का सामर्थ्य रखने वाले ये वीर पुत्र और ये वीर माताएं हिमाचल में हर घर यहां शांति का दूत होता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी शांतिपूर्ण जीवन, इतना भाईचारा, इतना प्यार, मैंने तो इतना अनुभव किया है कि आज उसी को बोलता चले जाऊं यह मन करता है। शांति की कुख से वीरता पैदा होती है यहां, और वो वीरता अक्षुण होती है। ये अपने आप में शायद हिमाचल की एक विशेष पहचान है। मैं फिर एक बार आज, और ये धरती, मैं हेलीपैड से जब आया तो शांता जी ने तुरंत पुरानी यादें ताजा कर दी। आओ भाई, आओ अपना पुराना कांगड़ा, यही धौलाधार आज तो साफ नजर नहीं आ रहा है। और अब ये हमारा धर्मशाला, हिंदुस्तान के खेल जगत में उसने अपनी जगह बनाई है। देश भर के खेल जगत के लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना है, और इतने कम समय में इस क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो देखते ही बनता है। और मैं इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। इस बार तो मैं यहां से चला जाऊंगा तुरंत, क्योंकि कार्यक्रम पार्लियामेंट भी चल रही है, तुरंत निकलना भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी याद करके भी तो मन में मजा आता है। हम यहां आए और कांगड़ी धाम को याद न करें। अक्सर शादी ब्याह समारोह में कांगड़ी धाम का आनंद कौन मजा नहीं लेता है। चने और मांस की दाल, जिमीकंद की सब्जी, रंगीन चावल, और जब मदरा परोसा जाता है चलिए आज तो ऐसे ही जाना पड़ेगा।
मैं जो फिल्म दिखाई गई, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ। एक राज्य के अंदर एक साल कोई ज्यादा समय नहीं होता है, बहुत कम समय होता है। शुरू में तो नई सरकार को दफ्तर ठीक करना, पुरानी चीजें साफ करना, उसी में समय चला जाता है। लेकिन फिल्म में मैंने देखा कि एक साल के भीतर भीतर इतना काम किया है अपना, इतने इनिशिएटिव लिए हैं, जन सामान्य तक पहुंचने का जो प्रयास किया है, सरकार को गांव गांव घर घर ले जाने का आपने जो प्रयास किया, मैं जयराम जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब आप सबने तो काम किया है, लेकिन मेरा एक काम करोगे? आप लोग करोगे? जरा जोर से बताओगे तो पता चलेगा। करेंगे? पक्का? वैसे हिमाचल के लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं जी, कभी पीछे नहीं रहते। आज जरूर एक काम कीजिए, ये जो फिल्म यहां दिखाई गई, आप कोशिश कीजिए कि हिमाचल के किसी भी व्यक्ति का मोबाइल ऐसा ना हो कि जिस मोबाइल में इसकी कनेक्टिविटी ना पहुंची हो, इसकी क्लिप ना पहुंची हो और वो अपने मोबाइल पर देखे। कर लेंगे आप लोग काम? पक्का करेंगे? देखिए फिर लोगों को लगेगा कि हाँ कितना बड़ा काम होता है। साथियों, हिमाचल और अटल जी एक अटूट नाता रहा और उनके लिए तो ये उनका दूसरा घर हुआ करता था और हमेशा कुछ न कुछ समय वो हिमाचल वासियों के बीच बिताते थे। आज हिमाचल में औद्योगिक विकास की जो संभावनाएं पैदा हुई है, इसकी अगर मजबूत नींव डालने का काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और उसी को दौर को पकड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में सिर्फ टूरिज्म नहीं, सिर्फ खेती नहीं, औद्योगिक दृष्टि से भी ये कैसे आगे बढ़े, उस लिए काम का जिम्मा उठाया है। आमतौर पर एक कहावत पुरानी कही जाती थी, उस कहावत को पूरी तरह गलत सिद्ध करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार कर रही है। पुरानी कहावत हम लोग भली भांति परिचित है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है, ऐसा कहा जाता है। पहाड़ का पानी बह करके चला जाता है, पहाड़ की जवानी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं दूर चली जाती है, लेकिन आज हिमाचल की सरकार ने यह सीट बना दी है कि पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आ रहा है और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी, हिमाचल के उज्जवल भविष्य के लिए काम आएगी। और इसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, अभी जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर इतना बल दिया गया है, खास करके नई पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए जिस प्रकार से बारीकी से योजनाएं बनाई गई है, सचमुच में किसी को भी प्रभावित करने वाली है। और ये आज नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में ये ऐसी ताकत बन के उभरेगा, ऐसी ताकत बन के उभरेगा, शायद
पहाड़ी राज्यों में या छोटे राज्यों में कोई हिमाचल की स्पर्धा नहीं कर पाएगा, ये मैं अपनी आंखों के साफ देख रहा हूं। और इसलिए इन योजनाओं के लिए भी, औद्योगिक विकास की दिशा में जाने के इन प्रयासों के लिए मैं सचमुच में एक साल के भीतर भीतर इतनी बड़ी, इतनी व्यापक और इतनी दीर्घ दृष्टा वाली योजनाएं, हिमाचल का भाग्य कितना मजबूत हो, दिशा में आगे बढ़ेगा, इसका संकेत करते हैं। और जब कोई ज्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है और अच्छे ढंग से करता है, तो फिर हमारा भी तो मन करता है हम भी तो उसके लिए कुछ करें। हमारा भी मन करता है। आप देखिए, जब दिल्ली में पुराने वाली सरकार थी, पता है ना, तब हिमाचल को 21,000 करोड़ रुपया मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो आज हिमाचल को 21,000 के सामने अब 72,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। यानी पहले वाली सरकार से 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा। और ये इसलिए संभव होता है क्योंकि भारत सरकार को भरोसा है कि यहां की पाई पाई का सही उपयोग होगा, यहां की पाई पाई में से नया हिमाचल बनेगा, उज्जवल हिमाचल बनेगा, समृद्ध हिमाचल बनेगा, प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला हिमाचल बनेगा। ये पूरा भरोसा भारत सरकार को हिमाचल पर है, यहां की जनता पर भी है, और आपने जिन नुमाइंदों को बिठाया है उन नुमाइंदों पर भी भरोसा है। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से पाई पाई का अच्छा उपयोग हो रहा है, स्थायी रूप से विकास के लिए हो रहा है। मुझे बराबर याद है जब मैं यहां संगठन का काम करता था तो मेरा आग्रह रहता था शक्ति केंद्र तक जाऊं, और आधे से अधिक शक्ति केंद्र ऐसे होते थे कि जहां पर पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं मिलती थी, छोटी मोटी पहाड़ी चढ़कर के पहुंचना पड़ता था। लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ कनेक्टिविटी का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है, यहां के जीवन को जो कठिनाइयां से गुजरना पड़ा है उसमें से सुविधाएं देने के लिए स्थायी व्यवस्था, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। मुझे बराबर याद है हमारे लाहौल स्पीति में वहां के आलू, ये अपने आप में किसी को भी जो उससे परिचित है उसको पता है, लेकिन मैं जब यहां काम करता था मेरे मन में हमेशा रहता था कि इतनी समृद्ध पैदावार यहां की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में ये बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है, और यहां के किसानों को जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। ये मुझे उस समय लगता करता, और अब वैल्यू एडिशन की दिशा में काम चल रहा है, सोचा जा रहा है, यानी दूर दराज क्षेत्रों में भी किस प्रकार से जीवन बदलेगा इसका अंदाज है। पिछले दिनों हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया किसानों के लिए लाभ में, और खास करके हिमाचल के किसानों को बहुत लाभ करने वाला है। ये जितने कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, ये जितनी बोतलों में पानी बिकता है, एरेटेड वाटर्स, हमने कंपनियों को बुलाया
कि भाई आप जो टेस्ट हैं, आपका क्वालिटी है, वो चलाइए, बहुत बड़ा मार्केट है आपका। लेकिन एक छोटा सी हमारी बात मान लीजिए, उसमें 5% जो नेचुरल फ्रूट है, उस फलों का रस मिक्स कीजिए, ताकि मेरे किसानों को फलों का एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाए, और जो ये आपकी बोतल का पानी पीते हैं, उनको कुछ शरीर को लाभ करने वाले तत्व भी मिल जाए। और मुझे खुशी है कि आज धीरे धीरे ऐसी कंपनियां आगे आ रही हैं, और वो अपने जो एरेटेड वाटर्स हैं, उसमें नेचुरल फ्रूट जूस उसको उपयोग कर रहे हैं, करना शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग नए आगे आ रहे हैं। ये आने वाले दिनों में फलों की खेती करने वाले हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट पैदा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं। आज हाईवे हो, रेलवे हो, बिजली हो, सोलार सिस्टम हो, पेट्रोलियम की व्यवस्था हो, करीब करीब 26,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में भारत सरकार की योजना से आज हिमाचल के इस छोटे से राज्य में अलग अलग कोने में चल रहे हैं। 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, आप कल्पना कर सकते हैं, जब ये काम पूर्ण हो गए तब वो हिमाचल के जीवन को कैसी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। रेलवे की बात, अब कालका शिमला रेलवे, जो भी टूरिस्ट आता है उसके मन में ये तो रहता है, चलो इस ट्रेन में भी जरा यात्रा करके देखे तो सही, उस जमाने की ट्रेन क्या हुआ करती। आपने देखा होगा, आप उसमें बदलाव किया है, उन डिब्बों को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट सीट से बनाया गया है प्लास्टिक का, ताकि उसमें यात्रा करने वाला पूरी यात्रा के दरमियान भी प्रकृति को दर्शन कर सके, प्रकृति का आनंद लूट सके। टूरिज्म के लिए कैसे बदलाव लाया जा सकता है, छोटा सा प्रयास है लेकिन इरादों का उसमें सीधा सीधा संदेश भी है। इस काम को करने का हमने प्रयास किया। रेलवे से जुड़ना यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। करीब 15,000 करोड़ रुपए के खर्च से 4 बड़ी रेल लाइन, इन पर काम चल रहा है। नांगल बांध तलवारा परियोजना, चंडीगढ़ बद्दी, भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रूट और ऊना हमीरपुर रूट, 15,000 करोड़ रुपए से रेल नेटवर्क, ये भी आने वाले दिनों में आधुनिक हिमाचल की दिशा में एक नई गति देने वाला काम मैं समझ सकता हूं। आज सामान्य मानवी भी, मेरा एक सपना रहा है कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको भी हवाई जहाज में जाने का अवसर होना चाहिए। हिमाचल में टूरिज्म बढ़ाने के लिए हवाई यात्रा का महत्व बहुत है, और भारत सरकार ने उड़ान नाम की योजना बनाई, बहुत ही सस्ते में यात्रियों को लाना ले जाना, उसका शुरुआत भी मैंने शिमला आकर के की थी। अब आने वाले दिनों में इसका विस्तार भी होने वाला है, हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ हुई है, और भी सेवाएं प्रारंभ होने वाली है, और इससे सीधा लाभ हिमाचल के टूरिज्म को मिलने वाला है। कनेक्टिविटी का एक नया, यानी जल हो, थल हो, नभ हो, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके उसको बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, और हिमाचल का उज्जवल भविष्य, ट्रांसफॉर्मेशन हिमाचल का अगर करना है तो 2 पटरी की गाड़ी है, उस 2 पटरी की गाड़ी, एक है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है टूरिज्म। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ी तेज गति से चलाने वाली ये 2 पटरी है, हम उसी पर बल दे रहे हैं, और टूरिज्म को
बढ़ावा देने की दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स 9000 करोड़ रुपए के अधिक लागत से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, इसका भी काम यहां पर चल रहा है। करीब बहुत सारे प्रोजेक्ट अब पूर्णता पर पहुंचे हैं और उसका लाभ भी आने वाले दिनों में होने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि हिमाचल के उज्जवल भविष्य में टूरिज्म की एक बहुत बड़ी ताकत है। टूरिज्म वो क्षेत्र है जहां कम से कम लागत से अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता है और भारत दुनिया के टूरिज्म के आकर्षण का केंद्र अब बनता चला जा रहा है। पहले लोग ताजमहल से अधिक कुछ ज्यादा परिचित नहीं थे, अब हिंदुस्तान को जानने समझने का विश्व में एक आकर्षण पैदा हो रहा है। आप देखिए 2013 में हमारे देश में विदेश के जो टूरिस्ट आए उसकी संख्या थी 70 लाख 2013 में, और 2017 में ये संख्या बढ़कर के 1 करोड़ हो गई, यानी आप करीब करीब 45% की वृद्धि इसमें हो गई 2013। और टूरिस्ट जब आता है बाहर का तो पैसे भी खर्च करता है और उसी से वहां रोजी रोटी की संभावनाएं बनती है। एक अनुमान है 2013 में जो टूरिस्ट आए करीब $18 बिलियन उन्होंने खर्च किया, जबकि 4 साल के भीतर भीतर ये टूरिस्टों का खर्च करने का दायरा है वो 18 बिलियन से बढ़कर के $27 बिलियन हो गया, करीब करीब 50% वृद्धि। यानी ये पैसे भी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पहुंचते हैं और उसका लाभ होता है। 2013 में भारत में अप्रूव्ड होटल्स 1200 थी, 4 साल के भीतर भीतर ये अप्रूव्ड होटल की संख्या 1200 से बढ़कर के 1800 हो गई। सिर्फ 4 साल के अंदर इसमें भी इतनी बड़ी वृद्धि देखी गई है। ये टूरिज्म का सफलता की दिशा में आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो ट्रैवल और टूरिज्म का रैंकिंग करता है, कॉम्पिटिटिवनेस का रैंकिंग करता है। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारी सरकार आने के पहले हम 65वें नंबर पर पड़े थे, 4 साल के भीतर भीतर टूरिस्ट के मानदंड की दृष्टि से जो सुधार करने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहिए, कनेक्टिविटी में बदलाव करना चाहिए, होटलों की व्यवस्थाओं में बदलाव करना चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा का विश्वास पैदा होना चाहिए, ये सारे मानदंड के आधार पर दुनिया मूल्यांकन करती है। हमारी सरकार आने के पहले जहां हम 65 नंबर पर खड़े थे, आज मुझे खुशी है कि अब हम 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं और 25 के नीचे लाने की कोशिश है हमारी, और इसके कारण दुनिया के टूरिस्टों को इन मानदंडों के आधार पर टूरिज्म के अंदर हमने ई वीजा भी शुरू किया। ई वीजा के कारण भी विदेशी पर्यटकों को वीजा की कठिनाइयों से मुक्त होकर के बड़ी सरलता से भारत में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और उसका लाभ मिल रहा है। ये टूरिज्म का जैसे यहां महात्मा है, वैसा ही यहां हमारे फौजी भाई रहते हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां मेरे फौज का कोई जवान न रहता हो। वन रैंक वन पेंशन, 40 साल से इस देश का सेना का जवान मांग रहा था, सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। और जब चुनाव में दबाव पैदा हुआ 2013-14 में,
तो जैसे इनकी आदत है झूठ मूठ आंख में धूल झोंको और अपना उल्लू सीधा कर लो, ये खेल चलता है। उस समय भी वन रैंक वन पेंशन, आप हैरान हो जाएंगे ये वन रैंक वन पेंशन क्या रिक्वायरमेंट है, इसके क्या मांगे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कितने लोग हैं लाभार्थी, कितने कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कागजी काम नहीं, नारेबाजी चल रही थी और हमारे फौज के वीरों को मूर्ख बनाने का काम उस समय की सरकार ने किया। सिर्फ 500 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन के लिए बजट में 500 करोड़ देकर के उन्होंने चुनाव के पहले बड़ा गाजे बाजे बजाए कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दिया। अभी जैसा किसान के लिए झूठ बोल रहे हैं ना, उस समय जवान के लिए झूठ बोला था। जब हम आए तो हमें लगा चलो भाई ये 500 करोड़ तो इन्होंने रख करके गए हैं, हम वन रैंक वन पेंशन लागू कर देंगे। मैंने कहा लाओ भाई फाइल लाओ, कागज लाओ। आप हैरान हो जाएंगे, सारी सूची बना करके व्यवस्था करते करते डिपार्टमेंट के आंखों दम आ गया, कुछ नहीं था। और जब पूरा हिसाब किताब लगाया, सारी तैयारी कर ली और हिसाब लगाया भाई कितना रुपया लगेगा, 12,000 करोड़ रुपया जरूरत थी वन रैंक वन पेंशन के लिए। ये 500 करोड़ के नाटक कर करके हमारे देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप ऐसी सरकार ना कह सकते थे। देश का जवान इंडिसिप्लिन कभी नहीं करता है, 40 साल तक उसने इंडिसिप्लिन नहीं की, वो शिस्त और मर्यादा में रहा, वो अपनी बात बता रहा था। लेकिन आपने देश के लिए शहीद होने की तैयारी रखने वाला, मौत को मुट्ठी में रख करके सिर्फ भारत मां की जय के लिए जिंदा ये मेरा जवान, उसकी आंख में आंख मिलाकर के आप बात नहीं कर पाए और झूठा काम किया, 500 करोड़ रुपया मजाक उड़ाया उसका। हम आए, हमने कहा हमको पूरा करना है, 12,000 करोड़ रुपए का बोझ आया। अब सरकार के लिए एक साथ 12,000 करोड़ निकालना मुश्किल होता है। मैंने सेना के लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई देखो मेरी मदद करिए, मुझे करना है, ये एक मुश्त नहीं दे पाऊंगा, 3-4 टुकड़ों में दूंगा। तो जवानों ने कहा साहब आपके शब्द, ये हमारे लिए सब कुछ होता है, अगर आपको लगता है 5 साल के बाद देना है तो 5 साल के बाद देना, लेकिन आपने कह दिया हमें भरोसा है। मैंने कहा जी नहीं, मुझे अभी देना है। और आज मुझे खुशी है कि 4 किस्त में वो पैसे दिए और हमने ये सारा भुगतान कर दिया, मेरे देश के जवानों के पास पैसा पहुंच गया, 12,000 करोड़ रुपए लगा। भाइयों बहनों, ये लोग किसानों के लिए भी यही कर रहे हैं। 2008 में चुनाव के पहले ऐसे ही झूठ बोल करके किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, किसानों का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया, माफ कितना किया 60,000 करोड़, दिया कितना 52,000 करोड़। 52,000 करोड़ में से कहां गया, 35 लाख लोग ऐसे पैसे ले गए जिनका कोई खेत नहीं था, न खेती में कोई फसल का पैसा था, कुछ नहीं था, 35 लाख ऐसे ही चले गए पैसे। लेकिन उस समय अरबों खरबों के घोटाले इतने तेज हवा में चलते थे कि किसानों से लूटे गई बात कभी अखबार में छपी भी नहीं, सीएजी ने रिपोर्ट किया। देश के किसान, भला भोला किसान जो देश के लोगों का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है, अगर आप उसको कुछ नहीं दे सकते हैं तो उसको कहिए, वो आपकी बात मानेगा, लेकिन कृपा करके झूठी बातें बता करके उसके जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उस समय किया, 6 लाख करोड़ का कर्ज था, 60,000 का बातें की और 52,000 से ऊपर दिया नहीं। पंजाब चुनाव के पहले पता नहीं कितने कितने वादे किए थे कर्ज माफी के, अब तक पंजाब के किसानों को कुछ नहीं दिया गया। थोड़े दिन पहले कर्नाटक का चुनाव था, वहां कर्ज माफी का वादा कर दिया और अब सिर्फ 800 किसानों को टोकन रुपया देकर के हाथ ऊपर कर दिए। भाइयों बहनों,
जो काम कर नहीं सकते हो, आपको भी पता है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के जवान की आंख में धूल झोंको, चुनाव जीतने के लिए देश के किसान की पीठ पे छुरा फोंको, ये खेल कब तक चलता रहेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, सच्चाई की धरातल पर देश चलना चाहिए। जो कर सकते हैं उसको ईमानदारी से करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे जयराम जी का इस वर्ष को मनाने का जो नाम दिया है, मुझे अच्छा लगा कि भाई हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। देश की जनता इस पर भरोसा करती है, हिमाचल की जनता भरोसा करती है कि भाई हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बस अब तो एक सुवर्ण युग आ गया, हर एक के घर की छत सोने की बन जाएगी, हर एक के घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ऐसी बातें ना हमने की है, ना हम ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं। हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं। हिमाचल ने करके दिखाया है और उसका लाभ आज हिमाचल को मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैंने देखा है कि हिमाचली लोगों का प्यार कैसा होता है, कभी कभी अंदाज नहीं आता है कि क्या होता है। एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे मन को छू लिया। मैं इजराइल गया था, तो इजराइल में एक स्थान पर जाना होता है तो वहां पर एक परंपरा है कि सर को ढांकना पड़ता है। जैसे हमारे यहां गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर को ढांकना होता है, तो मुझे भी सर ढांकना था। तो मैं मेरे साथ हिमाचल की कैप रखता हूं, तो मैंने अपनी हिमाचली टोपी पहन ली और वो पहन करके इजराइल में मैं घूम रहा था। टीवी पर हिमाचल के लोगों ने इसको देखा, मुझे सैकड़ों चिट्ठियां आई इस एक बात के लिए, हिमाचली टोपी पहनी मैंने इजराइल में, यानी मेरे हिमाचल का भाई कितना भावुक, कितना हृदय को आनंद देता है उसको। और जब मुझे भी अंदाज नहीं था इसका ये असर होता है, मुझे तो सर ढांकना था इसलिए मुझे टोपी पहननी थी और मेरे बैग में रहती है तो मैंने पहन ली। लेकिन उसको जब यहां के लोगों ने देखा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मुझे मिला हो और मेरे इजराइल में हिमाचली टोपी पहनने वाली बात को उसने जिक्र न किया हो। ऐसे अपनापन, इतना प्यार जिन भाई बहनों ने मुझे दिया है, उनके प्रति मैं आज बड़े गर्व के साथ मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं जब भी जाता हूं हिमाचल टूरिज्म, इसकी बात जहां भी मौका मिलता है करता रहता हूं, क्योंकि मैं यहां के चप्पे चप्पे से परिचित हूं, यहां की प्रगति का मुझे एक विशेष आनंद होता है। तो मैं भी आपका एक सेवक बनकर के इस काम को कर रहा हूं। टूरिज्म को बल देने में एक बहुत बड़ा काम होता है स्वच्छता, और आज मैं हिमाचल वासियों को बधाई देता हूं, हिमाचल के नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वच्छता की बात को एक संस्कार में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है। आज देश भर के टूरिस्ट हिमाचल आते हैं, यहां की स्वच्छता की चर्चा करते हैं। हिमाचल ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने का काम आप लोगों ने किया, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा करके हिमाचल को साफ सुथरा रखने का काम किया है। और यह सिर्फ स्वच्छता आरोग्य के लिए ही नहीं, हिमाचल के टूरिज्म की सबसे बड़ी ताकत है स्वच्छता, उस काम को भी हिमाचल ने किया है। और इसके लिए भी मैं हिमाचल के लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। टूरिज्म को बल देने में आपने जो होम स्टे का अभियान चलाया है, जब धूमल जी थे तब उसका प्रारंभ हुआ, मैं भी कुछ ऐसे होम स्टे में विशेष करके जाता था देखने रहने, कुछ तो हमारे कार्यकर्ता भी होम स्टे चलाते थे। लेकिन आज हिमाचल में होम स्टे एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है और दुनिया के टूरिस्ट भी बड़ी बड़ी होटलों के बजाय होम स्टे पसंद करते हैं। इतने छोटे से राज्य में 80,000 से ज्यादा ऑनलाइन होम स्टे की रजिस्ट्री मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम आपने किया है और ये नागरिकों ने किया है। हिमाचल के विकास में टूरिज्म को अपनत्व देने का काम होम स्टे से होता है और वो आपके द्वारा हुआ है, और इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत आपका साधुवाद करता हूं।
मैं मुख्यमंत्री जी ने उद्यमियों के लिए जो योजना बनाई है, भारत सरकार की जो योजना है उसके साथ उन्होंने जोड़ करके हिमाचली नौजवान जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने, इसके लिए आपकी जो योजना है वो सचमुच में उत्तम परिणाम देने वाली योजना है और उसमें पुरुष उद्यमियों को 25% और महिला उद्यमियों को 30% ये सब्सिडी ये प्रोत्साहन ये मूलभूत ताकत हिमाचल की बनने वाली है। स्टार्टअप की दुनिया में हिमाचल भी अपना नाम बनाएगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। डिजिटल इंडिया मोबाइल कनेक्टिविटी अब हिमाचल भी उसका हकदार है। बहुत तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम चल रहा है, इसका लाभ टूरिज्म को भी मिलता है नौजवानों को मिलता है और बीच में मुझे कॉमन सर्विस सेंटर पर से लोगों से बात करने का मौका मिला था, हिमाचल के लोगों से भी बात करने का मौका मिला था और मैंने देखा कि कॉमन सर्विस सेंटर आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग आज किस प्रकार से हमारे हिमाचल के लोग कर रहे हैं। आज सीमा पर हमारा बेटा किसी का है तो माँ को चल बेटा आप टेलीफोन जल्दी बंद कर बिल चढ़ रहा है ऐसा कहना नहीं पड़ रहा है क्योंकि माँ को भी मालूम है अब मोदी है मोबाइल मुफ्त में है और इसलिए बेटा सीमा पर है तो मुफ्त में बात लंबी करते हैं। फिर बेटा कहता है बा मुझे तो ज्यादा पड़ेगा वहां विसल बज रही है फिर माँ बड़ी मुश्किल से फोन रखती है। आज मोबाइल फोन डाटा इतना सस्ता हो रहा है कि एक जमाना था कि मोबाइल फोन पर मैसेज आया है तो सोचता है खोलू कि ना खोलू कहीं बिल चढ़ जाएगा तो। आज डेटा सस्ता हो रहा है आराम से अब उसको डेटा के पैसों की चिंता कम है, मोबाइल पर बात करना तो मुफ्त हो गया है अब उसको चिंता ये रहती है कि कहीं बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, ये चीज अलग से चिंता हो रही है। तर इतना बड़ा बदलाव आज हिमाचल में हम देख रहे हैं तो हमारी खुशियां बहुत बढ़ जाती है। कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना हिमाचल में है और मैंने जयराम जी को भी कहा था और मैं गवर्नर साहब का भी बहुत आभारी हूं को हिमाचल में कृषि क्रांति का बीड़ा उठाया है। आज भी मैं कहता हूं हिमाचल के भाइयों बहनों हिमाचल ने बीड़ा उठाना चाहिए, हिमाचल को जल्द से जल्द ऑर्गेनिक स्टेट बनाए, हिमाचल के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का नामो निशान ना हो, प्राकृतिक पद्धति से खेती हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हिमाचल देखते ही देखता है ऑर्गेनिक स्टेट बन सकता है और एक बार ऑर्गेनिक स्टेट बन गया दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बाजार उनका इंतजार कर रहा है। आज हिंदुस्तान में सिक्किम एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट है, हिमाचल में वो ताकत पड़ी है। मैं आग्रह करूंगा कि हिमाचल के किसान इस योजना का लाभ उठाएं। आज जब मैं पूरा वहां प्रेजेंटेशन रखा है कि किस प्रकार से खेती में बदलाव आ रहा है, जीरो बजट फार्मिंग कैसे किया जा सकता है, गाय दूध न देती हो तो भी खेती का हिस्सा कैसे बन सकती है, इन सारे विषयों को मुझे विस्तार से समझाया गया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों अनेक योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, गरीब से गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का उसका बीमारी का खर्चा, बड़े ऑपरेशन करवाने तो बड़े अस्पताल में हो जाएंगे और 5 लाख रुपए तक का खर्चा भारत सरकार देगी, उसमें अब हिमाचल ने भी अपना जोड़ा है। 100 दिन नहीं हुए अभी तो इस योजना को, 100 दिन में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना उपचार करवाया है। मुझे यहां एक माता जी से मिलने का मौका मिला, उसने कहा मेरे हृदय रोग की बीमारी थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन आयुष्मान भारत योजना आई तो मैंने मेरे हृदय की बीमारी को ठीक करवाया और आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता थी, मन को इतना आनंद हो रहा था कि किसी माँ की जिंदगी बच जाती है, पैसों के अभाव में किसी का बेटा नहीं मरता है, ये अपने आप में जीवन को संतोष देने वाली बात है। और आज बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहे हैं आरोग्य के क्षेत्र में। हमारे हिमाचल में 2014 से पहले
मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस के 300 सीटें थी और 4 साल के भीतर भीतर ये 700 पर पहुंच गया है। कहां 300 और 4 साल के भीतर कहां 700, आप देख सकते हैं कि यहां के नौजवानों के लिए कैसे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की ओर हम बल दे रहे हैं, हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार, हिमाचल को अब डबल इंजन की ताकत मिली है और डबल इंजन की ताकत मिली है तो बड़े बड़े पहाड़ों पर भी विकास को बड़ी तेजी से ले जा सकते हैं, इस काम में हम लगे हैं। लेकिन साथ साथ देश में जो गलत होता रहा है, जो लूट चलाई गई है, खजाने को अपने निजी उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, उसके खिलाफ मैंने एक लड़ाई छेड़ी हुई है और आपके आशीर्वाद से ये लड़ाई छेड़ने वाला मोदी लड़ाई छोड़ने वाला नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, हमने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया, सरकार जो पैसे हैं जो हकदार है उसके खाते में सीधे जाए। उसका परिणाम ही आया, 6 करोड़ लोग ऐसे निकले कि जिनका जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन सरकारी दफ्तर में वो पैदा हो गए, सरकारी दफ्तर में वो बड़े हो गए, सरकारी कागज में उनकी शादी हो गई, सरकारी कागज में वो विधवा भी हो गए, सरकारी कागज में वो बूढ़े भी हो गए, सरकारी कागज में वो दिव्यांग भी हो गए और रुपये जाते थे। 6 करोड़ लोग अभी तक तो मैं ढूंढ पाया हूं, 6 करोड़ यानी 10 हिमाचल जैसे लोग देश में जो पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन खजाने से उनके नाम पैसे जाते थे जी। 90,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से लगातार उनके यहां जाता रहता था, अब मोदी ने सब बंद करवा दिया, 6 करोड़ लोगों के नाम निकाल दिए, जो सही होगा उसको मिलेगा, हक का मिलेगा। और जो अब मुझे बताइए, जो पैदा नहीं हुए, खजाने से पैसा जाता था तो कोई तो होगा ना जिसके पास जाता होगा, जाता होगा कि नहीं जाता होगा? ऐसे बिचौलिए होंगे, झोला छाप लोग होंगे, चेले चपाटे होंगे, कोई 200 खाता होगा, कोई 2000 खाता होगा, कोई 2 लाख खाता होगा, चलता होगा नहीं चलता होगा? अब इनकी सबकी दुकान बंद हो गई, अब वो मोदी को झूठा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनकी चोरी बंद हो गई तो मोदी को चोर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनको चौकीदार से डर लगने लगा है, चौकीदार से डर लगने लगा, चोरों की नींद हराम हो गई है कि चौकीदार सोने को तैयार नहीं है, चौकीदार चोरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए परेशानी है। लेकिन आपके आशीर्वाद है इन परेशानियों को भी परास्त करेंगे और देश में ईमानदारी के प्रयास, ईमानदारी की सरकार, ईमानदारी का काम, ईमानदारी का लोकहित, इसी को लेकर के आगे चलेंगे। इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में 1 वर्ष को मनाने के लिए पाए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे, मुझे जयराम जी ने बताया आते समय एक अकस्मात हुआ, कुछ लोग यात्रियों को उसमें जो इस कार्यक्रम में आ रहे थे उनको इंजरी हुई, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं, आवश्यक जो भी व्यवस्था होगी जयराम जी स्वयं इसको देख रहे हैं, भारत सरकार को भी जो जरूरत होगी मैं आपके साथ हूं। मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि आप में से इस ठंड में, मुझे मालूम है कि यहां तक पहुंचने के लिए कुछ लोग तो 2 दिन पहले से चले होंगे, रात रात चले होंगे, कुछ लोग 1 दिन पहले यहां पहुंच गए होंगे, इतनी ठंड में भी इतना कष्ट उठा करके आप आए हैं। मैं चाहूंगा कि वापिस जाते समय कहीं, क्योंकि हिमाचल में पहाड़ों में अकस्मात बहुत स्वाभाविक होते रहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अकस्मात हो, किसी की जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है सुख चैन के साथ आराम से जाइए, जाने में 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे भले लग जाए,
लेकिन आराम से जाइए, आपका स्वास्थ्य संभालिए और हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। कंधे से कंधा मिला करके चल पड़े, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।